आज मैं बनाने वाली हूँ तो मैं बनाने वाली हूँ टेबल शेल्फ। तो मैंने इसके लिए लिया है एक बड़ा सा कार्डबोर्ड, तो उस ये ज़्यादा ठीक नहीं है इसलिए मैंने अलग से कार्डबोर्ड के टुकड़े इसमें चिपका दी हूँ। ये फेविकॉल HS मैंने यूज़ किया है तो ये बहुत अच्छा रहता है, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास अगर अच्छा ठीक कार्डबोर्ड है तो ये आपको जरूर करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप लोगों को कम मेहनत लगेगा। तो मैंने यहाँ पे और थोड़ा सा मास्किंग टेप भी लगाया है कि ताकि वो अच्छे से चिपके। या और एक मैंने एक छोटा सा कार्डबोर्ड लिया है उसे भी वैसे ही मैंने चिपकाया है। तो यहाँ पे और अलग अलग छोटे छोटे साइड पे चिपकाने के लिए जो मैंने स्ट्रिप ली हूँ इसे मैं फेविकॉल की मदद से चिपकाऊँगी। और इसे मैं जो छोटा कार्डबोर्ड जो मैंने बनाया था उसको भी मैंने चिपकाया है। और यहाँ अलग से मैं एक ड्रॉअर बना रही हूँ, तो ये ड्रॉअर बनाने के लिए मैंने एक टुकड़े जो लिए है उसको मैं स्क्वायर में ऐसे चिपका कर इसको एक बॉक्स बना दूँगी, और ताकि मैं शेल्फ में रख सकूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पतले पतले स्ट्रिप कार्डबोर्ड के काट लिया है, तो थोड़ा सा फिनिशिंग दिखने के लिए मैंने यहाँ स्ट्रिप को फेविकॉल की मदद से पूरे सामने जो टेबल के जो सामने है ना वो पूरा मैंने चिपका लिया है। और यहाँ पे मैंने एक मेरे पास फ्लावर था जो मैंने क्ले से बनाया था, तो फ्लावर को इसके ऊपर मैं चिपकाऊंगी। और क्ले से मैंने एक थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है उसके बाजू में, इस तरह से डिज़ाइन बनाने की मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ। आप जैसा चाहे आप डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ मैंने टेबल के पैर बनाने के लिए मैंने ऐसे बहुत सारे तीन साइज़ के मैंने कार्डबोर्ड को राउंड शेप में कट कर लिया है। और पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगी बड़े वाले कार्डबोर्ड्स जो राउंड में मुझे कट की हूँ उसे मैं लगाऊंगी, उसके बाद मीडियम साइज़ के लगाऊंगी, लास्ट में लगाऊंगी मैं स्मॉल साइज़। और स्मॉल साइज़ थोड़ा सा मैं ज़्यादा लगाऊंगी ताकि वो टेबल के पैर के जैसे दिखे। देखिए इस तरह से बन जाएगा पैर, तो मैं इसे टिश्यू पेपर अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये मज़बूत हो और फिनिशिंग भी अच्छा दिखे। तो मैं यहाँ लेने वाली हूँ एक एशियन का पेंट जो ऑयल पेंट है, तो उसे ही मैं कार्डबोर्ड पे पेंट करने वाली हूँ। जो मेरे पास रखा हुआ था उसी को मैं यूज़ करके देखना चाहती थी कि ऑयल पेंट कार्डबोर्ड पे कैसे रहता है। और ये जो डिज़ाइन बनाया था इसके ऊपर मैं गोल्डन स्प्रे कर रही हूँ, और मैं पूरे जो शेल्फ मैंने बनाई हूँ पूरे में यही ग्रीन कलर का मैंने कलर किया है। तो और जो बॉर्डर था उसे मैं वाइट कलर से की हूँ, और पैर में भी मैंने वाइट कलर ही किया है। और पैर को इस तरह से मैं यहाँ चिपका रही हूँ, तो देखिए ये पैर इस तरह से दिख रहा है। और ये टेबल अभी रेडी हो चुका है, तो देखिए इसका फाइनल लुक। सेकेंड DIY के लिए मैंने फिर से यह कार्डबोर्ड का यूज़ किया है, तो मैं यहाँ बनाने वाली हूँ वॉल शेल्फ। तो यहाँ मैंने कार्डबोर्ड के पीसेस कट कर लिया है, तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल शेप में इसको चिपका दूँगी। और यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल शेप में चिपका कर बीच में जो है मैंने डबल लेयर चिपकाया है कार्डबोर्ड का। आप चाहिए तो पूरे में भी डबल कर सकते हैं। और ऊपर से थोड़ा मजबूत के लिए मैंने यहाँ और एक स्ट्रिप लगाया है कार्डबोर्ड का, इसके ऊपर मास्किंग टेप भी चिपका रही हूँ। आप चाहिए तो टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे मैंने वाइट कलर एक्रेलिक कलर से मैंने कलर किया है, मेरे पास जेसो नहीं था तो मैंने वाइट कलर से तीन कोट लगाया मैंने। तो फिर उसके बाद मैं कुछ ट्रेडिशनल प्रिंट बना रही हूँ जो कि है इस तरह से मैं बना रही हूँ एक ट्रेडिशनल प्रिंट जो कि मुझे बहुत पसंद है ट्रेडिशनल प्रिंट। तो इसे मैंने ब्लैक कलर से ही कर रही हूँ, तो आप चाहिए तो कोई भी कलर या फिर ट्रेडिशनल मेरे रेड और ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस लाती हूँ आप तक पहुँच सके। और तो मैं यहाँ प्रिंट कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहाँ उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ मिरर्स।
देखिए ये शेल्फ इस तरह से बन गया है। तो देखिए मिरर से ये कितना सुंदर दिख रहा है। तो इसे मैं आप इसे वॉल पे भी टंगा सकते हैं या फिर टेबल पे भी आप डेकोरेट कर सकते हैं, मनी प्लांट या फिर कुछ भी डेकोरेट चीज़ लगाकर आप इसे सजा सकते हैं। देखिए इसका फाइनल लुक।